अभी ये मौत हुई है तो इसके जवाबदार तीन, एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा अपने ट्रस्टी अब्दुल्ला फक्की है, और ये तीसरा मस्जिद वाले, ये तीनों जवाबदार है, इसके और कोई नहीं है। बिल्डिंग कब से धोखादायक से बनी तब से दिक्कत है। इसके पहले भी ये घर में दो छज्जा गिर चुके हैं, इसकी वजह से इनका केस हो रहा है। अब ये केस की वजह से तो गरीब की तो मौत हो गई, उसका जवाबदार कौन होएगा? अभी इनके आपसात के मामला की वजह से ये मामला अभी तक रुका हुआ था, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, और बल्कि ये अभी जो बकिया हिस्सा जो बचा है, अगर इसको जल्द से जल्द नहीं गिराया गया तो ये एक आने वाले वक्त में एक और हादसे की दावत दे रहा है। ग्राम पंचायत को कोई जू नहीं रेंगती है, एक पैसे का उसको गटर के तक का परवाह नहीं रहती है, वो बिल्डिंग का क्या एक्शन लेगी? लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के खाड़ी पर इलाके में गौसिया मस्जिद के पास। यहाँ से एक दुखदायक खबर आ रही है, एक धोखादायक बिल्डिंग का छज्जा जो है इस गली में गिर गया। वहाँ पर एक 50 से 55 साल लेडीज जिनका नाम शहनाज अंसारी बताया जा रहा है, उनकी डेथ हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाएंगे कि वो उस बिल्डिंग का दृश्य देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये एक रनिंग गली है, यानी चालू गली है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, और ये बिल्डिंग का जो झज्जा होता है और सीढ़ी का जो हिस्सा होता है वो सीधा ज़मीन पे धराशायी हो गया, जिसमें जो है 55 साल की शहनाज नाम की 55 से 50 साल की शहनाज संसारी नाम की एक महिला है जो इस चपेट में आ गई है, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर फिलहाल निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन के कुछ आला अधिकारी आए हैं और इस मामले की जाँच कर रहे हैं। आपको मैं एक बार और बता दूँ, ये धोखादायक बिल्डिंग जो है 5 साल पहले इसे धोखादायक घोषित कर दिया गया था, उसके बावजूद यहाँ पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद है, चलिए हम उनसे आइए बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या है। भाई साहब, कब से है ये दिक्कत, ये बिल्डिंग कब से धोखादायक है? से बनी तब से दिक्कत है। अच्छा, इसमें काम बहुत खराब काम है, इसमें पूरा इसका देख रहे हो आप क्या है, क्या हो गया, इसका हुआ है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? इसके पहले भी ये घर में दो छज्जा गिर चुका है, क्योंकि उसके बाद बोला गया, उसके बाद फिर भी कुछ काम एक्शन नहीं लिया गया। आते जाते हमारे घर की लेडीज सब आते आते, अभी हमारे घर की थी जिनका इंतकाल हुआ, और भी लोग आते जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है। अभी जिनका हुआ है वो गरीब है, उनका कौन भर के देगा? बिल्डिंग अब्दुल्ला फक्की की बिल्डिंग है ये जब से खाड़ी पार में हादसा हुआ है, एक बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद इसको नोटिस दिया गया ग्राम पंचायत के थ्रू। अभी ग्राम पंचायत के बाद दिए अब्दुल्ला फक्की ने बेच दिया मस्जिद वाले को, मस्जिद वाले ने खरीदे उसको, उसके बाद में इनका जो घर है, जितने लोग को इन लोग ने मस्जिद वाले ने खरीदना चाह खरीद लिए, बाकी जो दो चार लोग हैं उनको नहीं ले पा रहे, वो लोग बेचना नहीं चाह रहे, उनकी वतन है वो बेचना नहीं चाह रहे, या फिर उनको जो हिसाब से उनको पैसा देना वो पैसा नहीं दे रहे, तो इनकी वजह से इनका केस हो रहा है। अब ये केस की वजह से तो गरीब की तो मौत हो गई, उसका जवाबदार कौन होएगा? अभी उसका जवाबदार कौन है? अभी चलो ठीक है, मौत तो हो गई ना, मौत कोई अब भर के नहीं देगा, वो भी हमारे मोहल्ले के थे, आज हम उनके सामने पैदा हुए, आज उनके साथ हम उनको उठा के लेके गए, इसका जवाबदार कौन होएगा? अब्दुल्ला फक्की होएगा, मस्जिद वाले होंगे, ग्राम पंचायत वाले होंगे। ग्राम पंचायत को कोई जू नहीं रेंगती है, एक पैसे का उसको गटर के तक का परवाह नहीं रहती है, वो बिल्डिंग का क्या एक्शन लेगी? वो बोलती है MMRDA को दे दिए, हमने इसको दे दिया, हमारा कोई अधिकार नहीं। मेंबर लोग को तो सोचना चाहिए था ना, आज 5 साल से वो ऐसी दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं, कोई जवाबदार नहीं इसका। बिल्डिंग ने अभी फिलहाल खाली करा दिया कि कुछ? अभी वो जबरदस्ती खाली कराया, मोहल्ले वाले ने रिक्वेस्ट करके खाली कराए तो खाली कर दिए सब, दो फैमिली थी इसमें रह रही थी, दोनों को खाली करा दिए। वो तो रस्ते चलते वो थे ना, बिल्डिंग वाले तो थे नहीं, यहाँ से आना जाना यहाँ रास्ता ही है, 24 घंटा चलते रहते रोज, इसका जवाबदार कौन होएगा? ग्राम पंचायत को तो एक पैसे का जूर नहीं रेंगता, सरपंच आओ मेंबर आओ किसी को फर्क नहीं पड़ता, आएंगे खड़े हो जाएंगे, बात तो ऐसे करेंगे हम उनके चाचा उनके मामा, मगर अभी मौत भी वोट लेने के लिए आते हैं, जब बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, बाकी विकास के लिए तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्या विकास के लिए यहाँ पे कुछ होता नहीं है, खाली आएंगे दिलासा देते चले जाते हैं क्या? और ये मस्जिद का लफड़ा बहुत पहले से चालू है, 5 साल से चालू है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ क्या? अभी ये मौत हुई है तो इसके जवाबदार तीन, एक तो ग्राम पंचायत,
दूसरा अपने ट्रस्टी अब्दुल्ला फक्की है और ये तीसरा मस्जिद वाले, ये तीनों जवाबदार है, इसके और कोई नहीं है क्या? ये तीनों जवाबदारी पे फुल एक्शन होना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा पुलिस निगम से कि यहाँ से सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अच्छे से अच्छी मतलब कार्रवाई करे, कोई रुकावट ना हो, उनको इंसाफ दिया जाए भाई। हमारी ये है डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप जिस तरह से आपके एरिया में हमने देखा यहाँ पर एक बिल्डिंग का छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई? ये बहुत दुखदायक बात है कि एक औरत जो है आज इस बिल्डिंग के शिकार हो गई। हालांकि ये बिल्डिंग बहुत पहले से कमज़ोर है और इनका आपस में कुछ मामलात है, इसके अंदर जो बिल्डिंग के ओनर है उसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, कुछ मस्जिद वगैरह लिए, इनके आपसात के मामलात की वजह से ये मामला अभी तक रुका हुआ था और इसके वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। और बल्कि ये अभी जो बकिया हिस्सा जो बचा है, अगर इसको जल्द से जल्द नहीं गिराया गया तो ये आने वाले वक्त में एक और हादसे की दावत दे रहा हो। तो मैं जो यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के जो बिल्डिंग के अंदर रहवासी है और जो इनका ओनर है, इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आपस के मामलात को जल्द से जल्द हल करके इस बिल्डिंग को जितनी जल्दी गिराओ, एक बड़े हादसे से बच सकते हैं हम लोग।